रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी के बाल बहुत सुंदर थे। जो भी उसके खुले बालों को एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता, क्योंकि उसके बाल जितने लंबे थे उतने घने भी थे। एक दिन वो अपनी माँ ममता के साथ अपनी पड़ोसन कांता के घर में दावत के लिए जाती है, जहाँ उसकी पड़ोसन कांता उसके खुले बालों को देखकर उससे कहती है, हाय ममता, तेरी बेटी के बाल कितने सुंदर है, जितने लंबे उतने ही घने हैं। मेरी बेटी के बाल तो अभी से झाड़ू हो रखे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। बल्कि अभी तो मेरी बेटी तेरी बेटी से कितनी छोटी है। हाँ वो तो है, मेरी बेटी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर है। वो क्या है ना कि मेरी बेटी तेरी बेटी की तरह ज्यादा नखरे वाली नहीं है, जो आए दिन अलग अलग तेल शैम्पू का इस्तेमाल करे। अपने घर में आने वाला शुद्ध सरसों का तेल लगाती है अपने बालों में, उसी से इसके बाल इतने सुंदर हैं। मैं नहीं मानती कि सिर्फ तेरी बेटी सरसों का तेल लगाती है अपने बालों में। अरे सरसों का तेल लगाने से इतने सुंदर बाल हो सकते हैं क्या? हाँ आंटी जी, बिल्कुल हो सकते हैं। वो क्या है ना कि आपको इस मोहल्ले में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है, वरना सभी मोहल्ले वाले मुझे सरसों का तेल लगाने वाली कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन मुझ पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो कल से मैं भी अपनी बेटी को कहूँगी कि वो भी अपने बालों में सरसों का तेल लगाए। बेशक तेरे जितने घने बाल नहीं होंगे, लेकिन उसके सर में जो बचे कुचे बाल है वो तो नहीं झड़ेंगे ना? हाँ क्यों नहीं आंटी जी, देख लीजिए लगाकर, मुझे तो फायदा हुआ है, शायद आपकी बेटी को भी फायदा हो जाए। अब घर भोज में बुलाकर सिर्फ बातों से ही पेट भरेंगी या खाना भी खिलाएंगी? माफ करना मैं बातों में भूल गई। आओ आओ बैठो, मैं आप सभी के लिए खाना लगवाती हूँ। कांता इतना कहकर खाना लगवाती है। कुछ ही देर बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर अपने घर वापस आ जाती हैं, जिसके बाद ममता अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि नंदिनी अपने कमरे में जाने की जगह रसोई में जा रही थी। तभी वो उसे पीछे से जाती है और देखती है कि वो सरसों के तेल की बरनी निकाल रही है। तभी वो उसके हाथों से तेल की बरनी छीनकर उससे कहती है, मुझे लग ही रहा था कि तू पक्का सरसों का तेल पीने आई होगी, इसलिए मैं तेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हूँ। माँ आप ठीक तो हैं, मैं सरसों का तेल पीने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने बालों में लगाने आई हूँ। इतनी देर से खुले हुए थे मेरे बाल, सबने कितनी नजर मारी होगी। अब आप तो जानती है ना कि मैं ज्यादा देर अपने बालों को बिना तेल के नहीं रखती हूँ। हाँ तो कोई और तेल लगा ले, एक दिन कोई और तेल लगा लेगी तो कौन सा तेरे बालों पर कोई फर्क पड़ जाएगा। लेकिन माँ जब घर में सरसों का तेल है तो मैं कोई और तेल भला क्यों लगाऊं? आप तो जानती है ना कि मैं सरसों के तेल के सिवा कोई और तेल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटी आज गुरुवार है और गुरुवार को सरसों का तेल बालों में नहीं लगाया जाता। वैसे भी रात की बात है, सुबह उठकर लगा लियो। तू क्या मेरी इतनी भी बात नहीं मान सकती है? ठीक है माँ, जैसा आप कहें। अब ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, मैं नहीं सुन सकती। सरसों का तेल अब नहीं लगाऊंगी। खुश, अब आप जाओ सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने। ब्लैकमेलर हैं आप और कुछ नहीं। नंदिनी इतना कहकर अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है और अगले दिन उठकर सबसे पहले अपने बालों में सरसों का तेल लगाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन ममता घर की सफाई कर रही होती है और उसकी नजर हॉल में पड़े सोफे के व्हाइट कवर पर जाती है, जिस पर सरसों के तेल का दाग लगा होता है, जिसे देखकर वो गुस्से में नंदिनी को आवाज देकर बुलाती है और उसके कानों को पकड़ते हुए कहती है, नंदिनी मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सरसों के तेल को बालों में लगाना होता है, उससे नहाना नहीं होता, लेकिन तू मेरी एक बात नहीं सुनती है। अब देख तूने क्या किया, सोफे की व्हाइट कवर अपने बालों के तेल से खराब कर दी। माँ कान छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। छोड़ो ना माँ, हो गई गलती, अब क्या बच्ची की जान लोगी। वो मैं कल रात सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, उसी टाइम लग गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। आगे से तू बाद में ध्यान रखियो, अभी पहले ये कवर लेकर जा और इसे अच्छे से वॉशिंग मशीन में धुलकर इसमें से तेल का दाग निकाल, समझी? माँ मुझसे सब करवा लो, लेकिन कपड़े धोने को मत बोलो प्लीज। मैंने तुझे कपड़े धोने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ सोफे के कवर को धोने के लिए बोला है, जिसमें तूने सरसों के तेल का दाग लगाया है। और अगर ये दाग नहीं गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है
और नंदिनी कवर धोने के लिए बाथरूम में जाती है। समय बीतता है। समय के साथ नंदिनी की शादी एक राजीव नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। एक दिन राजीव ऑफिस से घर आता है और वो नंदिनी से कहता है, यार जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ। सोच रहा हूँ आज तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। अब सच कह रहे हैं, अब मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे? अरे और क्या, घूमने के लिए बाहर नहीं चलोगी तो क्या घर की छत पर घूमोगी? तुम भी ना यार, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। राजीव इतना कहकर कमरे से निकल जाता है और जाकर हॉल में बैठकर फोन चलाने लगता है। कुछ देर बाद नंदिनी साड़ी पहने सर पर पल्लू किए नीचे आती है, जिसे देखकर राजीव कहता है, अरे मैडम हम घूमने के लिए जा रहे हैं, माता के जगराते में नहीं। जो तुम इतनी संस्कारी बनकर आई हो, और एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने बालों में तेल लगाकर क्यों रखती हो? अरे इतनी गर्मी में हमेशा सर में तेल लगाकर कौन रखता है भाई? मैं रखती हूँ क्योंकि तेल न लगाने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। अब आपको भाषण ही देना है या हम घूमने भी चलेंगे? अरे तुम्हें ऐसे बाहर ले जाकर मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है। एक काम करो, तुम घर की छत पर ही घूम लो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ बाहर। राजीव इतना कहकर घर से बाहर चला जाता है और नंदिनी गुस्से में अपने कमरे में वापस जाती है। अगले दिन सुबह के समय राजीव हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी नंदिनी उसके लिए चाय लेकर आती है और राजीव उसे खुले बालों में देखकर दंग रह जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, यार तुम्हारे बाल कितने सुंदर है, तुम खुले बालों में कितनी सुंदर लगती हो। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बीवी के बाल इतने लंबे और घने हैं। कौन सा हेयर ऑयल इस्तेमाल करती हो तुम? जो हेयर ऑयल मैं यूज करती हूँ वो सिर्फ हेयर के लिए ही नहीं बल्कि खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, शुद्ध सरसों का तेल। क्या, अरे आज के टाइम पर जब इतने सारे हेयर ऑयल मार्केट में है और तुम सरसों के तेल पर ही अटकी हुई हो? हाँ, क्योंकि मुझे वही सूट करता है। मैं बचपन से ही सरसों का तेल लगाती आई हूँ अपने बालों में और उसका रिजल्ट आपके सामने है, मेरे लंबे काले घने बाल। हाँ हाँ ये बात तुमने सही कही, लेकिन हमेशा सर पर तेल लगाकर रखना भी जरूरी नहीं है। तुम्हारे इतने सुंदर बाल है, कभी कभी इन्हें खोल कर भी रखा करो, तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे ज्यादा देर तक खुले बाल रखना पसंद नहीं है। अब तो आप मुझे सरसों का तेल लगाने के लिए मना नहीं करेंगे ना? अरे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे इतने अच्छे बालों के साथ कोई रिस्क नहीं लूंगा। अरे मेरे लिए तो अच्छा ही है, कम से कम मेरा हेयर ऑयल का खर्चा तो बचेगा। राजीव की बात सुनकर नंदिनी का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो हंसने लगती है, जिसके बाद राजीव नंदिनी के बालों में तेल लगाने के चलते उस पर रोक टोक करने वाली अपनी आदत को कम कर देता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।